हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? गाइस आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, क्या आपके पास से भी सैमसंग का गैलेक्सी A25 5G डिवाइस है? जी गाइस, अगर आपके पास भी सैमसंग का गैलेक्सी A25 5G डिवाइस है, आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, हमारा स्पीकर है मोबाइल का वर्क नहीं कर रहा है, हमारे स्पीकर में साउंड नहीं आ रहा है। तो गाइस, क्या आपके भी डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रही है? इसकी स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को मैं 100% फिक्स कर लूँ। आपको भी करना, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, और आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर सकते हो, यहाँ पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई और सवाल है कमेंट कर देना, मैं उसको कमेंट कर अपने दिन की कोशिश करता हूं। तो गाइस, यहां पर आपके भी डिवाइस में स्पीकर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, स्पीकर की साउंड है कम हो चुकी है, स्पीकर में आवाज़ ही नहीं आ रही है, स्पीकर का आवाज़ आपको इंक्रीज करना है, हो सकता है आपका स्पीकर की आवाज़ बैठ चुकी हो, फटी फटी आवाज़ आ रही हो, स्पीकर में आवाज़ ही नहीं आ रही हो, स्पीकर में धूल मिट्टी चली गई है, आपका मोबाइल पानी वगैरह में गिर चुका है, स्पीकर से पानी कैसे निकालें? तो गाइस, यहां पर बताना चाहूंगा आपके डिवाइस में स्पीकर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, साउंड कम आ रहा है कैसे इंक्रीज करना है, या आ ही नहीं रहा है तो वो कैसे ठीक करना है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक वॉच करना है, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर जो आपको टिप्स और सेटिंग्स करना है, सेम सेटिंग आपको फॉलो करना है। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसके रिगार्डिंग आपके स्पीकर में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को आप 100% फिक्स कर पाओगे। चलिए गाइस, यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर, चलिए गाइस, यहाँ पर बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर किसी भाई को लगता है कि अपडेट आने के बाद ऑटोमेटिक स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है या स्पीकर का साउंड है कम हो चुका है, तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कभी कभी जो सैमसंग वीवो के अपडेट होते हैं उनमें बग आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी सारे इशू देखने मिलते हैं। आप कर सकते हो नेक्स्ट अपडेट का वेट कर सकते हो, अगर आपको लगता है अपडेट आने के बाद स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है तो, वरना आपको सिंपली क्या करना, सेटिंग में जाना। जैसे आप सेटिंग में जाओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे एसबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप एसबिलिटी पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा हेयरिंग एनहेंसमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आने के बाद सबसे पहली बात, आपको साउंड है कहाँ पर कम आ रहा है, हो सकता है जो आपका ऊपर वाला स्पीकर है, जो जैसे कॉलिंग वगैरह करते हैं कभी कभी उसमें से साउंड होता है, आपको करना है एडेप्टिव साउंड पर क्लिक करना है। सबसे पहली बात आप उम्र चूज़ करो, कितनी उम्र है यहाँ पर कर सकते हो। दूसरी बात, आपको कॉलिंग का साउंड कम आ रहा है या किसका आ रहा है या आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ओनली मीडिया या ओनली कॉल नहीं करना है, दोनों ही कर देना, आपको चेक करना क्या है, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी हैं फिर भी आपको एक बार इन्हें कॉल करने के बाद दोबारा से ऐसे मीडिया एंड कॉल करना था कि अपडेट हो सके। उम्र चूज़ करना, 30 ईयर से ओल्ड हो, 30 से 60 ईयर हो, 60 हो, क्या है, यहाँ से उम्र चूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको आना है बैक। आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोनो ऑडियो, आपको चेक करना कि ऑफ है कि ऑन है, हो सकता है आपके डिवाइस में ये ऑफ हो तो आपको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद अगर आपको लगता है कि ऑन है ऑलरेडी, तो आपको एक बार ऑफ करके दोबारा से ऑन करना है, ताकि आपका साउंड है वो भी अपडेट हो सकते हैं मोनो ऑडियो। दूसरी बात, आपको चेक करना इस साउंड है किस में कम आ रहा है, फ़ोन स्पीकर में आपको सबसे नीचे दिखा देगा फ़ोन स्पीकर। एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको स्पीकर बंद करना है एक साइड का ऊपर वाला ईयर वाला, तो आप इसे लेफ्ट कर सकते हो, अगर नीचे का स्पीकर बंद करना है तो आप इसे पूरा राइट कर सकते हो। सबसे पहली बात, हो सकता है आपको ऑलरेडी ऑफ है साउंड, तो ये लेफ्ट या राइट हो सकता है, जिससे आपका साउंड है कम आ रहा हो या आ नहीं रहा हो, कितना लेफ्ट है कितना राइट है, तो ये साउंड बंद कर सकते हो। अगर आपको साउंड को बंद करना है, इसे आप लेफ्ट राइट करके देख लेना, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको है ऑलरेडी तो आपको इसे बीचों बीच में करना है, जैसे आप इसे बीचों बीच में ले जाओगे ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा और आपका साउंड है प्रॉपर तरीके से आने लगेगा। एंड अगर आपको लगता है ऑलरेडी हमारा बीचों बीच में है, एक बार रैप्ट कर राइट करना है और दोबारा से इसे बीचों बीच में लगाना, ताकि ये भी अपडेट हो सके और आपका साउंड है प्रॉपर तरीके से आने लगेगा। तो कैसे यहाँ पर इस सेटिंग को आपको फॉलो करना है, साउंड वगैरह आ नहीं रहा है या कुछ रुकावट है या ऊपर वाले स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, तो प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। वैसे यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई और सवाल कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच कर अच्छी वीडियो में, बस इतना ही।